Dear students, I hope all of you have done your previous homework. So let's check from here. Have a look at page number 72 of your English grammar book. A part, complete the following table by writing the past tense form of the each verb. यहाँ पर verbs दी गई हैं present में और उनको आपने change करना है past tense में. अगर present में talk है तो past में talked बन जाएगा. Eat का ate, see, saw, work, worked, sing, sang, bring, brought, run, ran, bake, baked, begin, begun, write, wrote. Today we will start our past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं जो बीते हुए समय से जो कार्य लगातार हो रहा है, बीते हुए समय में जो कार्य लगातार हुआ है, हो रहा है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एग्जांपल इज आई वाज ईटिंग एन आइसक्रीम. सेकंड, द पोर्टर वाज कैरिंग अ हैवी बॉक्स. थर्ड, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग. एंड फोर्थ वन इज द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई. In the above sentences, the highlighted words are in past continuous tense. In words में हम लोगों ने देखा जो highlighted words हैं उससे हमें पता चलता है कि past continuous tense के sentences हैं. We use the past continuous tense to express an action that was going on in the past at a certain time. The action or situation has already started before this time, but had not finished. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग उस बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी काम जो है, कोई कार्य जो है वो बीते हुए समय से शुरू हुआ है, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं. और जो बीते हुए समय से जो कार्य शुरू हुआ है वो अभी तक चल ही रहा है. इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज वॉज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग वॉज और वर के साथ में वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल स्लीपिंग, वर वर्किंग एटसेट्रा. सेकंड इज वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू टेल व्हाट वाज हैपनिंग इन द पास्ट. हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं उस चीज को बताने के लिए कि पास्ट में क्या चीज या क्या घटना घटी है. हैव अ लुक एट पेज नंबर 72 बी पार्ट. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो आप लोगों जो फॉर्म दी गई है टेंस की, उसको आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस फिलअप में हेल्प करना है उसकी. सो फर्स्ट इज मोहित पास्ड द एग्जामिनेशन 5 years ago. सेकेंड, We played on the beach yesterday. Third one, the officer looked at the clock often. Fourth one, he prepared well and wrote the examination. Fifth one, the bus stopped here for 5 minutes. Sixth one, the children played and I looked on. Seventh, last month I went to Chennai. So today you have to fill exercise B in your English grammar book at page number 72 and 73. Thank you.